अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप? तो मैं इस वक्त हूँ चोलिस्तान में मौजूद, रोही चोलिस्तान। और ये भाई गाय का दूध निकाल रहा है, दूसरी तरफ बाकी जानवरों की आवाज़ें आपको आ रही हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं बछड़ियाँ उनकी आवाज़ें आपको आ रही हैं। बहुत नेचुरल माहौल है और ये काफ़ी दिल को अच्छा लग रहा है मुझे तो। आप भी अगर आएँ चोलिस्तान में तो आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। इस वक्त चोलिस्तान के अक्सर इलाकों में बारिशें हो गई हैं, इस वक्त भी बादल मौजूद हैं चोलिस्तान में। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मैं चोलिस्तान की जो भी अच्छी सी प्यारी सी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके। और अपना एक प्यारा सा कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये इन लोगों की ना खुशी इसमें होती है कि जब बारिश हो जाए तो फिर ये लोग खुशहाल होते हैं, जब चोलिस्तान के टोबे भर जाते हैं, घास भी हरे भरे हो जाते हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी इन लोगों के लिए और कोई नहीं होती कि इनके यहाँ इनके जानवरों का जो चारा है वो भी वाफर मिकदार में हो जाता है और टोबों में पानी भी होता है, तो ये लोग भी खुशहाल होते हैं। ये एक दूसरा भाई मुस्कुरा रहा है मुझे देख कर, तो कह रहा है कि आएँ आप भी ट्राई करें दूध निकालना, लेकिन मुझे नहीं निकालना आ रहा दूध, तो इनसे हम दूध ये लेकर जाएंगे साथ। बहुत मज़ेदार, ये अभी ना इन्होंने गायों का दूध निकाल लिया है, तो अब एक साइड पर कर रहे हैं, ये छोटे जो इनके बच्चे होते हैं गायों के उनको साइड पर कर रहे हैं, ताकि बड़ी गायें जो हैं वो चरने के लिए दूर कुछ जा सकें। तो ये मौसम आज बहुत प्यारा है जी, ये टोबा है जिससे जानवर पानी पीते हैं, काफ़ी सारा पानी आ चुका है इनमें, तो अल्लाह करे और भी बारिश आए। जितनी भी बारिश चोलिस्तान में आ जाए ये लोग खुशहाल हो जाते हैं। बोतल गोला हूँ सही, ठीक सही मारे ना कि थी। अच्छा, कुछ जगहों पर ना अभी भी रिवायती तरीका है मक्खन निकालने का, वो मेरी एक और वीडियो है मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर ना दूध इकट्ठा करते हैं और आबादी के करीब के इलाके हैं ये कुछ, तो यहाँ से गाड़ियों के ज़रिए, मोटरसाइकिल के ज़रिए या छोटी ये जीप रखी हुई है एक भाई ने, उसके ज़रिए आकर दूध ये यहाँ से लेकर जाते हैं। तो ये इस गाड़ी वाले की भी बहुत हिम्मत है, ये जिस रास्ते से गुजर कर जाता है वो भी इसी का ही काम है, जिस रास्ते से गुजर कर जाता है ये भी हिम्मत वाला काम है। तो आपने भी एक हिम्मत करनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत शुक्रिया आपका वक्त का।